मृत्यु लोक में आए हो, अपना बचपन, अपनी जवानी, अपनी अधेड़ी, अपना बुढ़ापा सब अच्छे से निकालो, और जब पूरा काम फिनिश कर कर जाओगे तो वो ससुर भी तुमसे कुछ नहीं कहेगा, वो भगवान भी तुमसे कुछ नहीं कहेगा, ये सब फिनिश कर कर। और जल्दीबाजी में नहीं, मैं तो अब बहुत परेशान हो गई, मर जाऊं मैं तो आधा काम करके जा, सुन जा सुन, फिर धक्के मार के नीचे भेज दिया जाएगा, चल वापिस जन्म दो इसको, फिर भोगेगी फिर भोगेगा। तो क्या मतलब, एक बार दमदार नौकरी कर कर जाओ, पूरी ड्यूटी फिनिश, अपना पूरा होमवर्क जितना काम है सब निपटा के, पूरा होमवर्क निपटा कर फिर अपना काम में, फिर तो तुम कितना भी खेलो ना, माँ भी मना नहीं करती अगर होमवर्क पूरा हो जाए तो। क्यों, होमवर्क हो गया तेरा, आओ ला दिखा दो जरा, और कॉपी लाकर पूरी दिखा दे, लो लो जो देखो रे जरा, पूरा होमवर्क पूरा हो गया, ओ ये तो पूरा हो गया, और टीचर ने और कुछ तो नहीं बोला, नहीं गुड गुड कुछ नहीं। और नहीं तो कहीं कहीं का जो मक्कार बच्चा होता है वो बड़ा बड़ा बहाना बनाता है। एक टीचर ने अपने बच्चों से कहा, सुनो कल तुम जो है चूहा बिल्ली कुत्ता और गाय इनका फोटो बना कर लाना, चित्र अपनी अपनी कॉपी पे, और सब बच्चों ने तैयारी कर ली, चूहा बिल्ली कुत्ता और बोलो जम के बोलो गाय, सबका चित्र बना, सब ने बनाया, एक आलसी था वो बनाए, एक बैठ गया स्कूल में, टीचर ने सबसे पूछा तुमने बनाया दिखाओ, सबके साइन करते करते टीचर इस आलसी बच्चे के पास आ गए, तुमने चित्र बनाया, हाँ देखिए। बच्चे ने जो कॉपी खोली तो वो कोरी थी, उसमें कुछ भी नहीं था, टीचर ने पूछा इसमें तो कुछ भी नहीं है, तुमने क्या बनाया, बच्चा बोला मैंने चूहे का चित्र बनाया, कहाँ है, चूहे के बाद जब मैंने बिल्ली बनाई थी तो बिल्ली चूहे को खा गई, बिल्ली कहाँ है, मैंने बिल्ली के बाद जब कुत्ता बनाया था तो कुत्ता बिल्ली को खा गया, कुत्ता कहाँ है, कुत्ता के बाद मैंने जब गाय बनाई थी तो गाय का सींग देखकर कुत्ता भाग गया, गाय कहाँ है, गाय बनाई थी हमारा पड़ोसी लालू राम है ना, घास लेके जा रहा था, गाय उसके पीछे चली गई, ना चूहा है ना बिल्ली है ना कुत्ता है ना गाय है, कॉपी खाली है। जो बहाने बनाने वाला होता है वो हमेशा बहाने बनाता रहता है, भगवान ने तो मेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है, भगवान ने तो सारा दुख मुझे ही दे दिया, भगवान ने तो सारी तकलीफ मुझे दे दी, भगवान कई काय की तकलीफ दी, अच्छा शरीर दिया, दो हाथ दिए, पांव दिया, आँख दी, मुंडा दिया, खाने के लिए, सुनने के लिए कान दिया, इतना जोरदार शरीर दिया, मेहनत करना, कर्जा हो गया कोई बात नहीं, दुख आ गया कोई बात नहीं, रोग आ गया कोई बात नहीं, बीमारी आ गई कोई बात नहीं, तू मेहनत तो कर, शरीर तो अच्छा दिया है ना, कर मेहनत। और फिर जो लगा मेहनत करने में तो फिर एक फैक्ट्री का नहीं 10 फैक्ट्री का मालिक बनकर बैठ जाता, मेहनत तो करो। तुम कहो तो उसको जाकर, जिस समय आप उससे जाकर कहोगे तब जीवन का एक आनंद आएगा। कोई जाए जो काशी में मेरा पैगाम दे, कोई जाए जो काशी में मेरा पैगाम दे जाना, मैं खुद तो आ नहीं सकता, मेरा प्रणाम कहे खुद तो आ नहीं सकता, मेरा प्रणाम ले जाना, ये कहना डमरू वाले से तुम्हारी याद
सताती है, ये कहना डमरू वाले से तुम्हारी या सताती है, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आ तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ, तेरे डमरो की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। आओ से दोनों हाथों से आनंद के साथ, पीछे वाले भी